नमस्कार, खबर दिनभर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो बीजापुर से है, जहां नक्सलियों ने एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी है। शादी समारोह से बीजेपी नेता लौट रहे थे, तिरुपति कटला इनका नाम है, और उसी वक्त नक्सलियों ने घात लगाकर इन पर हमला किया। जनपद सदस्य थे तिरुपति कटला, उनकी हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से हमला किया गया। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम, जो आमतौर पर इस तरह की वारदात को अंजाम देती है, और कुछ कुछ गोरिल्ला युद्ध पद्धति के तरीके से घात लगाकर हमला करना, अब तक जो जानकारी मिली है, स्मॉल एक्शन टीम ने यह पूरा हमला किया था। शादी समारोह से लौटते वक्त यह हमला किया गया और धारदार हथियार से हमला कर तिरुपति कटला को मौत के घाट उतार दिया गया। बीजापुर का यह पूरा मामला, जहां नक्सलियों ने बीजेपी नेता का मर्डर कर दिया है, धारदार हथियार से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और यह तब हुआ जब जो तिरुपति कटला हैं वो एक शादी समारोह से लौट रहे थे। सत्यनारायण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, पूरी जानकारी विस्तार से। भाजपा नेता तिरुपति कटला जो है पिछले 18 से 20 सालों से वो बीजापुर में रहते थे। हालांकि वो जो है तोरनार गांव के रहने वाले हैं, लेकिन बीजापुर में रहकर अपना काम कर रहे थे और उन्हें तोरनार में गांव में एक शादी में शामिल होने के लिए गए हुए थे। जब वहां से शादी अटेंड करने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो उस दौरान जो है 3 से 4 लोग ग्रामीण वृद्ध सामने नक्सली पहुंचे और उन्हें रोककर जो है धारदार हथियार से वार किया और वार करने पर मौके से भाग गए। और भाजपा नेता को जब तक जिला अस्पताल आते इलाज मिलता तब तक जो है उसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि अभी तक जो है पुष्टि अधिकारियों ने नहीं की। अधिकारी पुलिस मामले की विवेचना कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जिला अस्पताल में भी पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं और भाजपा के नेता भी वहां पहुंचे। और लगातार नई सरकार बनने के बाद में, भाजपा की सरकार बनने के बाद में माओवादियों के खिलाफ में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। इसके चलते ही ये बिल्कुल आपने सही कहा। अगर एक साल का ये आंकड़ा उठाकर देखा जाए, अब तक तकरीबन नौ बीजेपी नेताओं की इसी तरह से हत्या की गई है। सत्यनारायण, हमला करने वाली जो टीम है, मेरा ख्याल है स्मॉल एक्शन टीम रही होगी। जिस तरह से एक दौर में लता उसेंडी के घर पर हमला किया गया था, वो भी स्मॉल एक्शन टीम थी। मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, केदार गुप्ता साहब बीजेपी से उस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केदार गुप्ता साहब, बीजापुर में एक नक्सली नेता की हत्या तिरुपति कटला की, जी प्लीज। देखिए, बहुत स्पष्ट है, अगर हम इतिहास देख रहे हैं पिछले 5 वर्षों का भी, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए नक्सलवादी उनकी हत्या कर रहे हैं। वो नहीं चाहते थे कि भाजपा की सरकार आए, क्योंकि भाजपा छत्तीसगढ़ में अमन चैन करने के लिए, आदिवासियों की जीवन स्तर को सुधारने के लिए लगातार प्रयत्न करती है और नक्सलवाद के खिलाफ है। अभी भी जब से भाजपा की सरकार आई है, हम नक्सलियों के मांद में घुसकर उन पर आक्रमण कर रहे हैं। 4 दिन में 6 से ज्यादा नक्सलवादियों का एनकाउंटर हुआ है, नक्सली बौखलाए हुए हैं। और मुझे बड़ा दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आखिर भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये निशाना क्यों बनाते हैं। और निश्चित रूप से ये बात प्रमाणित होती है कि भाजपा जन जनता की सुरक्षा के लिए अपने कार्यकर्ताओं का बलिदान करने भी पीछे नहीं हट रही है और ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे। बड़ा दुख है मुझे और मैं इस घटना की तीव्र निंदा करता हूँ और उनके परिवार को यह दुख प्रदान करे। इस पर गृह मंत्री ने जिम्मेदारी संभालते ही सबसे पहला और बड़ा बयान यही दिया था कि या तो बात करें और या तो हटना होगा। 1 साल के अंदर बस्तर की बात कर ली जाए, 9 बीजेपी नेताओं की हत्या, कैसे निपटेंगे आप? मैं फिर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है नक्सलवादियों को हटाने के लिए, खदेड़ने के लिए, खत्म करने के लिए। इसलिए ही नक्सलवादी हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं, कभी किसी दूसरे राजनीतिक पार्टियों की कार्यकर्ता की हत्या नहीं होती। ये क्या साठ गांठ है मैं नहीं कह सकता। किसी की भी मृत्यु हो बड़ा दुखद होता है, पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जाता है क्योंकि भाजपा की सरकार हमेशा नक्सलवादियों को टारगेट करके उनकी मांद में घुसकर मारती है। और मैं आपको फिर से दावे से कह रहा हूँ, ये जितना हमारे साथियों को मारेंगे हमारा मनोबल कम नहीं होगा। हम मांद में घुसकर मारेंगे और एक एक बूंद का बदला, खून की एक एक बूंद का बदला भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कार्यकर्ता लेकर रहेंगे। क्या रणनीति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा केदार गुप्ता साहब, अब नक्सलियों के खिलाफ? रणनीति में परिवर्तन तो दिख रहा है।
आप देखिए कि हर जगह पुलिस के कैंप खुल रहे हैं, जो हिडमा का गांव था वहां पुलिस का कैंप खुल गया, और उसके 5 किलोमीटर तक नियत नल्लेनार जो एक योजना चल रही है उससे आदिवासी भाइयों का जीवन स्तर ऊपर करना, उनको विकास के साथ जोड़ना, और जो नक्सलवादियों के इन्फॉर्मर होते हैं उनमें ये साहस जगाना कि सरकार अब उनके साथ है, पुलिस उनके साथ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बस्तर वासियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि नक्सलियों का साथ ना दें, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है, सरकार आपके साथ खड़ी है, और आपकी सुरक्षा और विकास के लिए कृत संकल्पित। ठीक ठीक केदार जी, प्लीज हमारे साथ बने रहेगा। सुशील आनंद शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील आनंद शुक्ला साहब, एक और बीजेपी कार्यकर्ता का मर्डर, और बस्तर में एक साल के अंदर 9 बीजेपी नेताओं की हत्या। जी शुक्ला साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? एक और बीजेपी, जी जी, एक और बीजेपी नेता कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है बीजापुर में। यह बेहद ही दुर्भाग्यजनक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या। और निश्चित तौर पे इसकी स्थिति बन क्यों रही है? देखिए, सरकार दिग्भ्रमित है। पिछले 3 महीने में जब से सरकार आई है तब से सरकार नक्सलवाद के मामले में क्या स्टैंड लेना अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है। यह सरकार नक्सलवाद जैसे गंभीर विषय पर भी कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। तभी माननीय गृह मंत्री जी का बयान आता है कि हम नक्सलियों के घर में घुस के मारेंगे, कभी उनका बयान दिया जाता है कि मैं नक्सलियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे। तो पहले आप निश्चय तो कर ले आप करना क्या चाहते हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने विश्वास, विकास, सुरक्षा का मूल मंत्र लेके नक्सलवादी मामले को हैंडल किया था। उसका फायदा यह हुआ कि 80% से अधिक छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाओं में कमी आई। लेकिन पिछले 3 महीने में लगातार जो नक्सली घटनाएं बढ़ रही है उसका बड़ा कारण यह है कि यह सरकार दिग्भ्रमित है। सरकार नक्सलवाद के मामले में चलिए पूरी तरीके से अकर्मण्य बनी हुई है। ठीक, सरकार की अपनी कोई लाइन नहीं है, कोई सोच नहीं है, और उसका उसका अब हाँ ठीक है, आपको थोड़ी देरी हुई है, एक क्विक रिएक्शन केदार गुप्ता साहब, सरकार दिग्भ्रमित है नक्सलवाद को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से दुखद है, और मेरे मित्र घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इनको ये नहीं पता, इनकी जब सरकार थी तो हमारे 8 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या नक्सलवादियों ने कर दी, और ये बैठकर ध्यान लगाए बैठे थे तो निश्चित रूप से बगला भगत बने हुए। चलिए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सलवाद के खिलाफ है, हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। ठीक, और फिर से मैं अपने साथी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ठीक 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 है गुप्ता साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, धन्यवाद आपका। सुशील आनंद शुक्ला साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी धन्यवाद। और नक्सलियों